आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डेडलॉक बरकरार है। अफगान लीग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर को एनओसी जारी न करने का फैसला बरकरार है। इससे पहले याद रहे कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने की मुखालफत की गई थी और अब उसके बाद खबर यह है कि पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान लीग खेलने के लिए खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया जा रहा। आपको हम खबर दे रहे हैं खेल के मैदान से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डेडलॉक बरकरार है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक लाहौर के नुमाइंदे अनस सईद से। अनस सईद, क्या वजूहात बयान की गई हैं एनओसी ना फराहम करने की? जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बाद जो है वो अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी पीसीबी के जो है ताल्लुकात खराब हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो अफगान क्रिकेट लीग है वहाँ पे जो उनके प्लेयर्स हमारे कौमी प्लेयर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा है जाने के लिए, उनको एनओसी नहीं जारी किया जाएगा क्योंकि डेडलॉक बरकरार है। इससे पहले जो है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की जो है क्रिकेट और किसी भी किस्म की जो है वो सीरीज जो है वो खेलने से इनकार किया था। यहाँ से जो है वो चेयरमैन अफगान क्रिकेट बोर्ड ने जो है पाकिस्तान का दौरा किया था, उससे कुछ सीरीज के मामला तय पाए थे, साथ ही साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम थे, वो तमाम से जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौतल कर दिए थे। इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब भी फैसला किया था कि किसी भी किस्म का जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वहाँ जाकर नहीं खेलेंगे। अब भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौकफ है कि अफगान क्रिकेट लीग में जो है वो कौमी क्रिकेटर्स जो शिरकत नहीं करेंगे और उनको जो है एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नसई, तफसीलात से आगाह करने के लिए।